हाथरस की घटना को लेकर प्रदेश ही नहीं देश भर में आवाजें उठ रही हैं, जहां बलरामपुर में दलित लड़की के साथ हाथरस जैसी हैवानियत दिखाई गई, जिसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं अभी अभी मिली जानकारी के मुताबिक आगरा से भी अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फतेहपुर सीकरी इलाके में एक 13 वर्षीय किशोरी के साथ परिजनों ने रेप की आशंका जताई है। परिजनों के मुताबिक शौच करने गई किशोरी को गाँव के ही युवकों पर अगवा कर दुष्कर्म करने की बात कही गई है। आपको बता दें, गाँव के दो युवक किशोरी को धर्मशाला पर बदहवास स्थिति में छोड़कर भाग गए थे। आप अभी यहाँ थाना परिसर पे इकट्ठा आए हुए हैं, क्या मामला रहा है? हमारी बच्ची 5:30 बजे सी की गायब हो गई, उसके बाद में हमने ढूंढने में लगा दिया समय 2 घंटे। 7:45 बजे करीब हमारे पास बच्ची के ढूंढने पर नहीं मिली। जब एक धर्मशाला पे बच्ची को कोई 2-3 आदमी वहाँ पर छोड़कर चले गए, उसके बाद में किसी आदमी का फोन आता है हमारे पास गाँव के वाले का, यहाँ पर डरी है बच्ची। उसके बाद में हमने फिर पुलिस थाने को फोन कर दिया, उसकी सूचना के लिए पुलिस वाले पहुंच गए, उसके बाद में वहां से लेकर बच्ची को लेकर आ गए और गंभीर हालत में जा रही थी। हमें अंदेशा यह है कि बच्ची के साथ में गलत काम हुआ है। हमें इसका आगे क्या चाहते हैं? हमें इसका वो निर्णय चाहिए, न्याय चाहिए हमें। तो क्या आपने थाना फतेहपुर सीकरी पे कोई तहरीर आपने दी है? तहरीर फोन से ही दी है सर, तहरीर तो अब लगेगी ना। क्या कोई सुनवाई की है? सुनवाई की है, उन्होंने मेडिकल के लिए आगरा के लिए भेज रहे हैं, ये बोल रहे हैं अभी। तो क्या आपको अंदेशा है कि आपकी बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है? हाँ साहब, अंदेशा क्या है, क्लियर सी अंदेशा ये है, हमारी बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है, हमें न्याय चाहिए। आपकी बच्ची बालिग है? नाबालिग है। नाबालिग है सर। सर, आज एक मामला आया थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में, एक नाबालिग किशोरी के साथ में दुष्कर्म का, क्या मामला रहा है सर? ये जाजोली क्षेत्र फतेहपुर सीकरी थाना का मामला है। हमें सूचना मिली है कि नीलम, जो कि 12 या 13 साल की है, ओपन डेफिकेशन में, खुले शौच में शौच करने गई थी, तभी एक व्यक्ति जिसका नाम नितिन है, वो उसे मोटरसाइकिल में बिठा के ले गया। ये लगभग 4:30 बजे की घटना है। उसके बाद 7 बजे परिजनों ने यह देखा कि एक धर्मशाला के पास नितिन के साथ मोटरसाइकिल में कुछ एक और व्यक्ति नीलम को एक चारपाई में छोड़ के चले गए थे। परिजनों से तहरीर प्राप्त हुई है, लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या सर इस मामले में कोई मुकदमा पंजीकृत किया गया है? अभी विवेचना जारी है, परिजनों से तहरीर ले ली गई है, उसी अकॉर्डिंग मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। थैंक यू सर। थाना फतेहपुर सीकरी के जाजौली गांव से एक व्यक्ति ने ये सूचना दी है कि उसके ही गांव का नितिन, उसकी बेटी जो करीब 13-14 साल की होगी, उसको भगा के ले गया है और इस पर कानूनी कार्रवाई करने हेतु जो है प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर जो है मुकदमा थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज कर लिया गया है। लड़की जो पीड़िता है उसको बरामद कर लिया गया है, उसका मेडिकल कराया जा रहा है। बयान नोट करने के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उसके बयान किए जाएंगे और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। आगरा से केकेडी न्यूज संवाददाता राजा गुप्ता की रिपोर्ट। हाथरस में हुए इस घिनौने कृत्य के बाद पुलिस और योगी सरकार की सुरक्षा नीतियों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जहां कुछ दिन पहले ही योगी ने बयान देते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश अब अपराध मुक्त हो गया है और सभी अपराधियों को भी जेल भेजा जा चुका है, उनके इस बयान और हाथरस में घटित इस घटना के बाद विपक्षी पार्टियों ने उन्हें आड़े हाथों लिया है और यूपी में जंगल राज का भी आरोप लगाया है। योगी के मंत्री भूपेंद्र चौधरी जब हाथरस पहुंचे तो उन्हें स्थानीय लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, दाह संस्कार के बाद दलित समुदाय के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। दरअसल बीते दिनों हाथरस में 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ 4 दबंगों ने गैंगरेप किया और वह इस घटना को किसी को ना बता दे इसके लिए उसकी जीभ भी काट दी और इलाज के दौरान पीड़िता ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई। इसी कड़ी में आगरा में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने नूना हाई से रामबाग तक कैंडल मार्च निकालकर मृतका को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही यह भी कहा कि जिस तरह से बीते कई समय से प्रदेश में अपराध और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं,
हैं, महिलाएं ना तो घर में सुरक्षित है और ना ही घर के बाहर। ऐसे में सरकार से यही मांग है कि इस पूरी घटना में आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि मृतका की आत्मा को भी शांति मिल सके। नीतू सिंह है, मैं अकल भारत हिंदू महासभा से महानगर अध्यक्ष हूँ और हमने ये जो कैंडल मार्च किया है ये बहन मनीषा के लिए किया है। हम चाहते हैं कि बहन मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। हमारे जो भारत में बहन भाटियों के साथ बलात्कार, जिंदा जलाना जो हो रहा है, हम योगी जी से कहना चाहते हैं कि इसको रोकिए, अपने प्रशासन को सतर्क कीजिए कि इसको रोकें सब कुछ। और हम चाहते हैं जो दोषी है उसी को सजा मिलनी चाहिए। योगी सरकार में लगातार जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्या मानते हैं? हम इस पर सरकार को विलंब नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन हम प्रशासन को भी विलंब नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस योगी सरकार से कहना चाहती हूँ कि इस अपराध को अगर वो रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। आए दिन लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, किस कैसे रुक पाएगी सरकार, को क्या कदम कठोर कदम उठाने चाहिए? देखिए प्रशासन सरकार बहन मनीषा को 15 दिन के अंदर जो हुआ है उसके साथ, आज 6:30 बजे उसका दिल्ली हॉस्पिटल में निधन हो गया जी। और हम उसको इंसाफ दिलाना चाहते हैं और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर योगी सरकार रोकना चाहती है इस जुर्म को तो रोक सकता है, प्रशासन को सतर्क करिए। जो हम ये दरिंदे घूम रहे हैं, खुलेआम दरिंदे घूम रहे हैं रेप करके, जिंदा जला के, उनको रोकने के लिए सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर रोकना चाहिए परिजनों के लिए क्या मांग की गई है आप? हम चाहते हैं बहन मनीषा को न्याय मिले, उनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो हर्जाना होता है वो सरकार को देना चाहिए। यदि मासूम मृतका को न्याय नहीं मिला तो कहाँ तक इस लड़ाई को लड़ेंगे? हम लोग विधानसभा तक लड़ेंगे, हम लखनऊ विधानसभा घेराव करेंगे और विधानसभा तक ये लड़ाई लड़ेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा से हमारी मातृशक्ति की सभी बहनें, हम ये लड़ाई ऊपर तक लड़ेंगे। हम कप्तान साहब से कहना चाहेंगे कि जो दोषी है उसको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। आगरा से KKD न्यूज संवाददाता राजा गुप्ता की रिपोर्ट।